उतर। फिर नेक्स्ट डे इन लोगों ने बोला कि इंडिया ने कोऑपरेटर है। अब हमें आप ही बताइए क्या 19 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट टीनेजर टीआरएस का ऑपरेटर हो सकता है? ये हम पूरे कश्मीर से क्वेश्चन करते हैं, क्या 19 साल का लड़का टीआरएस ऑपरेटर हो? मेरे भाई को रिलीज दिया जाए, अरसलान फैरोज को रिलीज करे, हमारी फैमिली के साथ इंसाफ करे, मेरे माँ बाप के साथ इंसाफ करो, मेहरबानी करके इंसाफ करो, हमारी तरफ देखे, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ हम मर जाएंगे उसके बगैर, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ। अभी हमें नहीं पता है, हमें कल उसको बोला कि कपड़े लेके जाने के लिए, तो हमने उसे दिए, फिर अभी हम घर पहुँचने वाले थे, अभी हम घर भी नहीं पहुँचे, हम यहाँ से नहीं देख रहे थे उसके ये हालत। तो ये बात नहीं तो मनीष सरज बात नहीं तो काल मैं इसी मैं हम सालनगर से है। हम यहाँ पे अरसलान फैरोज जिसपे ये एलिगेशन लगाया है कि वो टीआरएफ का ऑपरेटर था, जो यूथ को भड़काता था मिलिटेंट सफों में ज्वाइन करो तुम लोग, वो खुद एक 19 साल का लड़का है, वो क्या किसको भड़काएगा? ये पहले इन लोगों ने उससे पहले वन डे बिफोर इन लोगों ने बोला कि ये क्रोनिक स्टोन बेल्टर। फिर ये सुबह अपना बयान बदल देते हैं, कहते हैं कि एक टीआरएफ का ऑपरेटर था। अरसलान कर क्या रहा था? ये स्टूडेंट है 12th क्लास में, इसके रोल नंबर स्लिप है, उसका एग्जाम था तब भी कस्टडी में था, एग्जाम भी नहीं देने दिया। ही स्टूडेंट, ही इज 19 इयर्स ओल्ड। हम बस ये चाहते हैं मेरे भाई के साथ, मेरे साथ, मेरे माँ बाप के साथ खासकर इंसाफ हो। अभी कहाँ पे है वो? अभी वो सनवार में है, अभी हमें नहीं पता, लेकिन वो इस टाइम बोल रहे थे कि सनवार में जो चर्च लाइन ऑफिस है वहाँ पे। टीआरएफ, ये जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि ये टीआरएफ के साथ इनकी लिंक है, तो आप इसके बारे में पुलिस के पास गए हैं? आप मुझे बताएं, जब वो इससे पहले 21 अक्टूबर को लिया गया था उसे, जब वो वहाँ पे 40 डेज में बंद था, फिर उसे एसओजी रेफर किया गया, फिर उसे बाइज्जत बरी रिलीज किया गया, जब उसे उन 40 दिनों में टीआरएफ का ऑपरेटर स्टोन बेल्टर वो साबित नहीं हुआ, तो इस एक दिन में कैसे हुआ? ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ का लॉ है ये? अब आप चाहते हैं क्या है, वो डिमांड क्या है? हमारी डिमांड बस यही है, अरसलान फैरोज उसे रिलीज करे, जल्द उसे रिलीज करे। अगर आप उसे रिलीज नहीं करेंगे, हमें अरेस्ट करे, हमें गोली मार दे, हमारे पूरे मकान, पूरे खानदान को जला दे, हम जिंदा नहीं रहेंगे उसके बगैर, वो हमारा इकलौता सहारा है। आप मुझे बताएं मेरे माँ बाप कहाँ जाएंगे? आप मुझे बताएं, हमारा इकलौता सहारा है वो अरसलान, मेरा भाई इकलौता सहारा मेरे माँ बाप का, हम क्या करेंगे? हम बस यही रिक्वेस्ट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, DIG से, मेहरबानी करके अरसलान फैरोज को रिलीज करें, जल्द से जल्द उसे रिलीज किया जाए, जल्द से जल्द उसे, हमारे साथ इनजस्टिस आ रहा है, हमारे साथ जस्टिस करें, वी वांट जस्टिस, ओनली जस्टिस फॉर अरसलान, आई वांट जस्टिस प्लीज। बस मैं ये अगर मैं किया गया बस उन पालन पार मेरे मैं आज सच कर मैं करता हूँ इंसाफ नबी अनवा मैं करता हूँ इंसाफ नबी सी लिबास करता हूँ इंसाफ आज करता हूँ मैं शिपाशी पे कौन है
مجھے بچن پہ اما لگان تم الزام پہ الزام ہے میانے خدایا مے بکر امس کس بوجھ ہے خدایا ٹھے بکر کس بوجھم ہے ٹھے بکر کس بوجھم میانے پروردگارا اسے دیتو سام اسے مرتو کیا بار بار کٹ کیا جب نا